application of computer means a type of computer software which is used normally to solve the particular problem related to the user side. ऐसा software जो के user की requirements को fulfill करने के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनराइज द बिजनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि आपके पास डे बाय डे जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो इनहांसमेंट हो रही है. एवरी कंपनी लार्ज और स्मॉल इज नाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन कंप्यूटर. नाउडेज आप यू कैन सी के आपके पास एवरी पर्सन नाउडेज इज यूजिंग अ स्मार्टफोन. तो स्मार्टफोन is a type of gadgets normally used by every man to solve the daily routines life problems. अगर हमारे पास आजकल अगर स्मार्टफोन ना हो तो हम ऐसे समझते हैं कि हमारी कोई बॉडी का पार्ट नहीं है. so that's why this is called the importance of the computer. computer system help in hospital records. अगर आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका पूरे का पूरा रिकॉर्ड वहां पे मेंटेन हो जाता है विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर. और इन फ्यूचर अगर आप लोग जाते हैं तो फिर डॉक्टर को इजी होता है कि आपको लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम थी, आपने कौन सी मेडिसिन ली, आपका टेस्ट क्या हुआ और कौन सी चीज डायग्नोस हुई. दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर. अकाउंट्स एज वेल, आपके पास बैंक्स जो हैं वो हर बैंक्स जो है दे आर डेली ट्रांजेक्शन मेंटेनिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एज वेल एंड सो ऑन. कंप्यूटर्स नॉट ओनली सेव टाइम बट ऑल्सो सेव पेपर वर्क. जाहिर है जहाँ तक आपके पास कंप्यूटर का तल्लक है तो आपके पास लॉट ऑफ पेपर जो है वो सेव हो जाते हैं. तो आपको रिकॉर्ड को सर्च करना, सेव करना, उसमें एडिट करना विद इन नैनो सेकेंड आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर यही सारे टास्क आपके पास आपके प्रिंटेड शेप में होंगे तो आपको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा. तो दीज ऑल यू कैन से आर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंसेस. साइंसेस मीन्स अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक टास्क डन बाय द स्पेशल एंड टेक्नोलॉजी टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. साइंटिस्ट हैव बीन यूजिंग कंप्यूटर टू डेवलप थ्योरीज एंड एनालाइज एंड टेस्ट द डेटा. अगर हम पिछले 10 साल चले जाए 15 साल तो हमारे पास स्मार्टफोन एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आजकल हमारे पास स्मार्टफोन डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल हैं विद डिफरेंट categories. So this is all about due to the sciences development. The high speed and accuracy of computers allow different scientific analysis to be carried out. तो क्योंकि आपके पास जो कंप्यूटर है वो आपको स्पीड में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सॉल्व आउट करता है विद इन अ स्पेसिफिक लिमिटेड एप्लीकेशन. आजकल देख रहे हैं कि आप लोग यू कैन गेट नॉलेज इन एजुकेशन. आप लोग आजकल देख रहे हैं कि यू कैन गेट अ नॉलेज थ्रू जूम्स आर एनी अदर सॉफ्टवेयर, जो कि आपका जो होस्ट है वो रिमोट साइड पर बैठा हुआ है और आप अपने घर में बैठ कर ईजीली एजुकेशन जो है वो रिमोटली ले सकते हैं. करंटली द क्लास रूम्स, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स आर एफिशियंटली यूजिंग computer to make the education much more interesting. तो आप लोग ऑनलाइन जैसे लेक्चर लेते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द कंप्यूटर. तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था. मेडिसिन एंड हेल्थ केयर. आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मेडिसिन और हेल्थ में भी आपके पास कंप्यूटर की वजह से रोबोटिक्स आ गए हैं. डिफरेंट रोबोटिक्स आर यू कैन सी आपके ऑपरेशन में हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं. आपके इवन जो क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं, जस्ट लाइक आपके पास हार्ट होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो वो भी ईजिली आप लोग मेंटेन कर रहे हैं विदाउट एनी एरर्स. दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द कंप्यूटर्स. इंजीनियरिंग में आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी यूज हो रही हैं. द आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स आर एक्सटेंसिवली यूजिंग कंप्यूटर्स इन डिजाइनिंग एंड ड्राइंग. आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बननी है, मल्टीपल उनके डिजाइन बन रहे हैं, मल्टीपल आर्किटेक्चर बन रहे हैं. आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास रोड पे सेट असाइड पे आपके डिफरेंट पेल बोर्ड लगे होते हैं तो उन पे कितना बड़ा प्रिंट लगा होता है, तो ये भी आपके पास कंप्यूटर की वजह से है और कंप्यूटर में आपकी इंजीनियरिंग जो है वो यूज हो रही है. नेक्स्ट, आप लोग अक्सर गाने सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो फेसबुक यूज कर रहे हैं लाइक डैट. आपके पास कंप्यूटर की वजह से आपके पास लेटेस्ट जो है वो एंटरटेनमेंट जो है इन अ लेस पीरियड ऑफ टाइम में आप लोगों के पास पहुंच जाती है और इस तरीके से आप लोग एंटरटेन भी कर सकते हैं. कम्युनिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग इज कम्युनिकेशन. ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. तो आप लोग विद इन अ सेकंड आपका मैसेज जो है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, चाहे वो आपके पास 10 किलोमीटर का हो, 10,000 किलोमीटर का हो या 10 लाख किलोमीटर का हो, आप यहाँ बैठे हुए यूरोपियन कंट्रीज में या अदर एनी कनाडा यूके में, विद इन अ नैनो सेकंड जब तक आप ओके नहीं प्रेस करते आपका फ़ौरन से मैसेज जो है वो रिमोट साइट पर
मूव कर जाता है, तो ये भी आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से ही डिपेंड कर रहा है। बिजनेस एप्लीकेशन आर आल्सो देयर कि आपके पास इफ यू वांट टू 15 to 20 मिनट ऑलमोस्ट आपके पास वो ऑर्डर जो है आपके घर में प्लेस हो जाता है। आप फूड पांडा यूज कर रहे हैं या अदर आपके पास जो जितने भी एप्लीकेशन हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो आप घर बैठे ईजिली जो है उनको कन्वे करते हैं और आफ्टर डैट वो आपको घर में सेंड कर देते हैं। तो ये इनके लिए भी स्पेशल जो है एप्लीकेशन यूज की जाती है, स्पेशल यू कैन से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ताकि इस तरीके से जितनी भी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जा सके। उसके बाद आपके पास बाइका है या आपके पास दूसरी जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज है कि आप जिस ऑर्डर प्लेस करते हैं वो टैक्सी आपको उस स्पेसिफिक लोकेशन से उठाकर आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती है, तो ये भी आपके पास सारी की सारी बिजनेस एप्लीकेशन में ही लाइक है। नेक्स्ट वन इज पब्लिशिंग। पब्लिशिंग मीन्स कि आपने अपने कोई वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट में या आपने वीडियो चैनल बनाया है या फेसबुक पे आप लोग कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, तो इस गार्ड पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशल मेथड्स होता है जिसके थ्रू आप जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, और इसे कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। इन DTP विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड अ लेजर प्रिंटर वन कैन परफॉर्म द पब्लिशिंग जॉब्स ऑल बाय। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग। बैंकिंग में आप देख रहे हैं कि अगर हम 10 से 15 साल प्रीवियस चले जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक थी कि हम लोग छुट्टी के दिनों में पेमेंट जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप 24 hours a day, 7 days a week आप लोग इजीली किसी भी वक्त जस्ट विद हेल्प ऑफ ATM आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ATM जो होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको कहते हैं, तो ये भी आपके पास ड्यू टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेस्क। डिस्क एक ऐसी शेप है जो आपके सामने नजर आ रही है। इफ यू वांट टू स्टोर द डाटा परमानेंटली ऑन हार्ड डिस्क फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है जी। तो बहुत सारी आपके पास मीडियम्स अवेलेबल्स हैं टू स्टोर द डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा, इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ मूवीज, इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स और लाइक दैट, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन मे बी बेस्ड आर यू कैन स्टोर ऑन द डिस्क फॉर फ्यूचर रेफरेंस आर प्रिंटिंग पर्पसेस एज वेल। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डैट कैन बी स्टोर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द डिस्क, जैसे मैं बता चुका हूँ। स्टोरेज इज अचीव्ड ऑन इधर आर हार्ड डिस्क आर कम्पैक्ट डिस्क ऑन आ फ्लॉपी डिस्क। तो आप लोगों के पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिवाइसेज हैं जिसमें आप लोग डिस्क डाटा सेव कर सकते हैं, उनके बारे में अब लेट्स डिस्कस वन बाई वन। एक ऐसा मीडियम जिसपे आप लोग डाटा सेव करते हैं उसी को कहते हैं डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो मेड ऑफ मैग्नेटिक्स होती है, और इसमें आप लोग आपके सिस्टम के इनर साइड के ऊपर ये प्लेस होती है, और इसमें आप अपना किसी भी टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और फिर इसी तरीके से आप उसको एक्सेस भी किया जा सकता है। कंपैक्ट डिस्क, इसमें यू कैन स्टोर अप टू 700 MB डाटा एट वंस, नॉट मोर देन दैट, और ये आपके पास चीपर होती है, ऑलमोस्ट 50-60 rupees में आपको मिल जाती है, और इस तरीके से आप इसको आप स्टोर कर लें, और इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस पर उसको दोबारा से अपने सिस्टम में इंसर्ट करें उस ड्राइव में, और इस तरीके से उसको रिट्रीव भी। नॉर्मली आजकल हमारे पास ये यूज़ नहीं होती, ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो ये भी डाटा की मोबिलिटी के लिए और डाटा को फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करने के लिए जो है वो नॉर्मल यूज़ किया जाता था। और इसमें मैक्सिमम डाटा जो है वो 1.44 MB, ऐसा समझे कि आपने कोई 2-4 जो आपके पास वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की फाइल स्टोर कर सकते थे। इसमें आप लोग कोई भी सॉन्ग, ऑडियो, वीडियोस जो है वो मूव नहीं किया जा सकता था, जस्ट आपके पास डाटा की ट्रांसफरिंग के लिए ये चीज़ जो है वो यूज़ की जाती थी। तो दिस इज कॉल्ड फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग आपके पास एक्चुअली जो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है जो कि नॉर्मली आपके सिस्टम को यूटिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके पास उसकी दो टाइप्स हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया जी, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉर्मली यूज़र की पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट इफ़ यू डिवेल्प अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आर लाइन ऑफ कोर्स टू यूज द हार्डवेयर इज कॉल्ड यू कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल जो है वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेट्स डिस्कस। ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज द सॉफ्टवेयर डैट अलाउज अ कंप्यूटर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स। यहाँ पर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता चलो कि आपका कंप्यूटर इज़ अ डंप मशीन। डंप मशीन मींस कि आपके पास
द पर्टिकुलर डिवाइस हैव नो एज सच ब्रेन, जस्ट लाइक जैसे ह्यूमन बीइंग सोचते हैं, फील करते हैं, तो आपने एक हार्डवेयर को इतना कैपेबल कर दिया है कि द हार्डवेयर कैन थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग्स, ठीक है? तो उसके लिए आपको, अब जाहिर है आपका हार्डवेयर जो है वो जस्ट नो द लैंग्वेज 0 एंड 1 की फॉर्म। जब आपका हार्डवेयर 0 और 1 को समझता है, आप लोग उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस समझते हैं, तो अब आपने हार्डवेयर से अपने टास्क को फुलफिल कराना है, तो उसके लिए यू मस्ट बिल्ड अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था 1981 में डिजाइन किया गया था, जिसे कहते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे जस्ट आप फाइलें लोकेट कर सकते थे। बड़ी मुश्किल सी ये लैंग्वेज थी, जिसके थ्रू एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उसमें आप अपने कमांड राइट ऑन करते हैं। सो इन दिस वे आप वहाँ से डाटा एक्सेस भी कर सकते हैं और वहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं। आजकल आप लोग डेस्कटॉप सिस्टम में, लैपटॉप में, आप स्मार्टफोन में, आप GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए ईजीनेस हो गई है। डिक्लाइन ऑफ डॉस कब डिक्लाइन हुई जी? विद द इन्वेंशन ऑफ द विंडोज। विंडोज नॉर्मली 1990s में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इससे अप यूज़र को उस सिस्टम को ऑपरेट करना इजी हो गया। तो इस वजह से फिर डॉस जो है वो मुश्किल लैंग्वेज थी, उसकी कमांड्स आपको याद होनी चाहिए थी, आफ्टर डैट उसको ऑपरेट किया जा सकता था। तो इस वजह से जैसे ही विंडो लॉन्च की गई, तो अल्टीमेटली आपके लिए ईजीनेस हो गया, और विंडो जो है आजकल नवा डेज वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ वर्ल्ड। अगर हम लोग देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जाम्पल है, वो सबसे फर्स्ट वन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी है कि यूज़र फ्रेंडली है, कि यूज़र अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तब भी वो हाउ नो इंग्लिश रखते हुए वो इजीली ऑपरेट कर सकता है। तो सबसे पहला जो इसका वर्जन आया था 9.3.0, फिर 95 आया, और 98 जो है वो बहुत अरसा यूज़ की गई और बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई, और इससे वजह से उसका बिजनेस भी बहुत दिया गया। फिर 2000 में विंडो 2000 आई, फिर विंडो मिलेनियम में आई, फिर NT आई, फिर आपके पास जो है वो विंडो XP लॉन्च की गई, विस्टा 7, 8, और इसी तरीके से आजकल जैसे यूज़ हो रही है विंडो 10 यूज़ हो रही है, विंडो 11 यूज़ हो रही है। तो दीज आर द यू कैन से अ वर्जन ऑफ द पर्टिकुलर। अगर हम थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में देख लें, तो फीचर्स में जहाँ तक इसका है, उसमें सबसे फर्स्ट वन फीचर है जी फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके पास जो पहले डॉस की बात कर रहा हूँ मैं, तो डॉस बड़ा मुश्किल था और वो इतना ज़्यादा जो है वो फास्ट नहीं था, लेकिन इसमें इतने फीचर लॉन्च किए गए थे कि ताकि हार्डवेयर को मैक्सिमम यूज़ किया जाए और उसके साथ अपने टास्क परफॉर्म किया जाए। इंप्रूव्ड रीड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि आपके पास इसमें आप इजीली काम कर सकते हैं, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मीन्स कि आपका हार्डवेयर और आपका जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो आपस में कंपैटिबल होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी इजीली जो है वो डाटा की एक्सेसिबिलिटी होती है, स्टोरेज होती है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सर्च लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप लोग डॉस की बात करें, तो उसमें स्पेशल किस्म के जो है वो हार्डवेयर यूज़ किया जाता था, और स्पेशल किस्म का वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। फिर उसको हमें सबसे पहले सीखना पड़ता था, उसकी कमांड्स को मेमोराइज करना पड़ता था, वो हमारे लिए मुश्किल थी। तो उसके वजह से फिर ये जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई, तो आपका हार्डवेयर भी रिक्वायर कम हो गया और बाकी सी चीज़ें भी कम होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम के लिए फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से अब यूज़ हो रहा है। सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपका डाटा स्टोर करना बहुत मुश्किल टास्क था, कि आप अब जब देखे हम जैसे वहीं कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जितनी भी ड्राइव्स होती हैं वो एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन हमारे पास जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था तो उसमें एक्सेसिबल नहीं थी। तो सो डैट्स वाई ये चीज़ें आपके पास, जैसे जस्ट लाइक मैं अभी सपोज मैंने माई कंप्यूटर पर क्लिक किया, तो ये देखें जी जितनी जितनी भी ड्राइव्स हैं वो मेरे पास एक्सेसिबल हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास इजीली इस विंडो की वजह से हो सका। टास्क बार क्या होती है जी? जो आपके पास जस्ट लाइक ये जैसे मैंने ओपन किया है, तो ये जो नीचे ब्लैकिश एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेफ एंड इजी पर्सनल कंप्यूटिंग्स, कि आप इजीली डेस्कटॉप के ऊपर अदर ड्राइव में अपनी चीज़ें जो हैं वो लोकेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मीडिया, कि इसके वजह से आपके पास 1990s में फिर इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस किया गया, आप लोग डिफरेंट सॉन्ग्स, वीडियो, ऑडियो टाइप के जितने भी टास्क हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बेस्ट फॉर द बिजनेसिस।
आजकल आप देख लें जहाँ पे भी परचेजिंग करने जाते हैं कि एवरी बिजनेस और एवरी ऑर्गेनाइजेशन है वह कंप्यूटर सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द डेली रूटीन्स टास्क, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए ईजी हो गया। तो दीज आर द मेन फीचर्स, आप लोगों को होपफुली समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू द डाटा तो जस्ट गिव मी अ कमेंट्स, ठीक है, आफ्टर डैट आई विल कम्युनिकेट विद यू। उसके अलावा इससे पहले जो दो टॉपिक्स हम कर चुके हैं तो उनकी भी मैं लिंक जो है वो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो होपफुली वहाँ से भी जो न्यू यूज़र हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है लैंग्वेजेस। अब जाहिर है हमने कंप्यूटर से हार्डवेयर से अपने टास्क को परफॉर्म करना है, तो अब हमने हार्डवेयर को अपनी बात बतानी है और हार्डवेयर ने हमारी बात को समझ के उसको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमें एंड रिजल्ट देना है। तो उसके लिए इन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र साइड कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ होती है, वो लैंग्वेजेस हमारी वॉइसेस को हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है जीरो और वन की फॉर्म में, और आफ्टर डैट वो प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है और प्रोसेसर उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद हमें एंड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए लैंग्वेजेस यूज करते हैं जिसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो लेट डिस्कस द कंप्यूटर परफॉर्म्स इट फंक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। एज आई टोल्ड अर्लियर कि आपको इंस्ट्रक्शन की शेप में आप लोग वो जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप लोग हार्डवेयर को बताते हैं, हार्डवेयर परफॉर्म करता है और आपको रिजल्ट देता है। द सेट ऑफ सच इंस्ट्रक्शन रिटर्न फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। द लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक लो लेवल होती है और एक हाई लेवल होती है। अब हम जो बात करते हैं इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें हम लोग बताते हैं कि 2+2 इज इक्वल टू 10। जैसे हम 2+2 करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो अब हमने ये जो डाटा उसको प्रोवाइड किया है, डाटा इनपुट किया है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो इज कॉल्ड हाई लेवल्स। अब सिस्टम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू जीरो और वन की फॉर्म में, उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, और वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड होती है उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। तो इस वजह से हम हाई लेवल में काम करते हैं और सिस्टम जो है वो लो लेवल को अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज लेट डिस्कस। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मॉडम्स एंड नेटवर्किंग। ये भी आपके पास बड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि जब हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिमोट साइट पर बैठा हुआ, तो इन बिटवीन हम तो जस्ट नंबर डायल करते हैं और ओके कर देते हैं, तो आफ्टर डैट हमारी कॉल मेंटेन हो जाती है। लेकिन बिहाइंड द सीन हम समझते हैं कि हाउ द कंप्यूटर कैन इंटरेक्ट विद द रिमोट साइट। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़ होता है, उसे कहते हैं मॉडम एंड नेटवर्किंग। ठीक है, कि नेटवर्किंग क्यों यूज़ होती है, जब एक दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपस में कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं नेटवर्किंग। तो उसमें मॉडम का क्या रोल है, तो जस्ट लाइक जैसे आपके पास यहाँ पर ये देखिए जी DSL नज़र आ रहा है। मॉडम इज अ डिवाइस डैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा, मींस कि आप इसको रिमोट साइट पर सेंड करना है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन और केबल लाइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली वेयर एज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स। जाहिर है अब जो आपका डाटा है वो जीरो और वन की फॉर्म में जा रहा है और आप हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर एक डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, सपोज आपके पास लेफ्ट साइड पर टेलीफोन लाइंस है, आपने कॉल कम्युनिकेट की है, तो आपके दरमियान में DSL लगा होगा, डिजिटल सब्सक्राइबल लाइंस। अब वो आपकी बात को लेगा तो आगे वो सेंड कर देगा PTCL एक्सचेंज को। PTCL एक्सचेंज उस आपके बात को, आपकी वॉइस को लेगी और उसको इंटरनेट पर सेंड कर देगा। ठीक है, और अगर आप सिस्टम से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर भी आपके DSL मॉडम के साथ कनेक्टेड होगा, वो मॉडम आपके पास आगे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके साथ कनेक्टेड होगा, फिर वो वाला मॉडम आपकी टेलीफोन लाइन के साथ एक्सचेंज होगा, और फिर वो टेलीफोन एक्सचेंज आगे फर्दर आपके पास जो डेस्टिनेशन वाली एक्सचेंज है वहाँ आपका कनेक्टेड होगा। सो इन दिस वे आपके पास ये मॉडम यूज़ किया जाता है। मॉडम मींस मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन। मॉडुलेशन मींस कि आपके डाटा को कन्वर्ट करता है जीरो और वन की फॉर्म पर और आगे उस लाइन पर सेंड कर देता है। फिर जो हो आपका जो हो गेस्ट होगा जिसको आपने डेस्टिनेशन पर वॉइस सेंड की है वहाँ पर भी इसी तरीके से मॉडम लगा होगा, वो उसको डीमॉडुलेट करेगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन के। मॉडुलेशन मींस आपकी आवाज़ को जीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर रिमोट साइड पर आपकी जीरो और वन की फॉर्म को एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इस कॉल्ड मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन। अब अगर हम लोग देखें तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं जिसे कहते हैं
पॉइंट ऑफ सेल्स। अब पॉइंट ऑफ सेल्स ऐसा पॉइंट होता है कि आजकल आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड से आप लोगों ने शॉपिंग करनी है, तो क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उसके अगेंस्ट आपका अकाउंट बना हुआ है, उस अकाउंट से आपकी डिटेक्ट होनी है। तो आपने सपोज गोरमे पे गए हैं या अदर शॉप पे गए हैं, तो वहाँ पर आपने परचेजिंग की है और वो परचेजिंग आप एटीएम से कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका सिस्टम में जैसे ही कार्ड फीड करते हैं उस सिस्टम को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स, कि अब पेमेंट आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। दिस मैकेनिज्म कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। रिमोट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। अब ये जो रिमोट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके पास अगर घर में आपका डीएसएल लगा हुआ है तो वो डीएसएल थ्रू केबल कनेक्टेड है और वायरलेस कनेक्टेड है, तो एक्चुअल आपका अकाउंट रिमोट साइट पर कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है, जिसके थ्रू आपको एमबीज दी जा रही हैं और जैसे ही आपके उस एमबीज के अंगेंस्ट आप उसको पे करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी अगर वो पेमेंट ख़त्म हो जाती है तो आपका जो कनेक्शन है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं रिमोट मैनेजमेंट और यू कैन सी है मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस क्या होती है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो वो वहीं पर बैठे हुए अपने सिस्टम से आपका पॉइंट जो है वो उसकी एरर को रिमूव कर देते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जस्ट लाइक जैसे आजकल फाइबर ऑप्टिक्स के नेटवर्क है, अगर आप टेलीफोन वाले या अपने डाटा बंडल से नेट यूज़ करें और आप लोग अगर टेलीफोन की जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका नेट यूज़ करें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र लगेगा, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू द डाटा कम्युनिकेशन, कि फाइबर ऑप्टिक्स आपको फास्ट वे में मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड कर सकती है एज वेल एज आपका डाटा बंडल। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि आप सपोज मोटरवे से सफ़र करते हैं तो आप लोग इजीली लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग जीटी रोड से जाएं तो आप वहां से भी पहुंच सकते हैं लेकिन आपको ज़्यादा टाइम होगा, कंज्यूम करना होगा। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र मीन्स कि आप जैसे ही डाटा अपने सोर्स से एंड पे सेंड करते हैं तो वो कितनी देर में ट्रांसफ़र होता है, उसे कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र। उसके बाद आ जाता है मशीन टू मशीन। अब मशीन टू मशीन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जस्ट लाइक जब आप एटीएम यूज़ करते हैं, तो एटीएम में आप कार्ड एंटर करते हैं, उसके बाद पासवर्ड देते हैं, उसके बाद आप लोग विड्रा करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक्चुअल वो यूनिट इज़ कॉल्ड टर्मिनल यूनिट और एक्चुअल प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द रिमोट साइट, जो सर्वर है जो आपके हेड ऑफिस में मेन सिस्टम पड़ा होता है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वहाँ पर डन हो रही होती है। यहाँ से जैसे आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो वहाँ पर ट्रांजेक्शन होती है और फिर वहीं से आपको रिस्पॉन्स जो है वो वापस मिलता है, तो इज़ कॉल्ड मशीन टू मशीन। बाकी ये सारी चीज़ें देखें जी आपके पास नीचे भी डिस्कस्ड हैं, तो ये आप लोग जस्ट पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू टूडे लेक्चर्स। होपफुली आपने इंफॉर्मेशन ले ली होगी, तो अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो जो जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड रिक्वेस्ट डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग यूजफुल वीडियो।